हेलो दोस्तों, आपका एजुकेशन ट्रिप में एक बार फिर से स्वागत है। तो हमारी जो सीरीज चल रही है टॉप 10 बैंकिंग अवेयरनेस, इसका पार्ट है पार्ट 3। तो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूँ आपसे कि पहले क्वेश्चंस को अपने आप अटेम्प्ट करिए और जितने आपको आते हैं वेल एंड गुड, और जो कमेंट करिए कि आपने कितने उसमें मार्क किए हैं, यानी आपने कितने सही किए हैं। और जो टेलीग्राम ग्रुप है, जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेक कर सकते हैं अगर आपको ज्वाइन करना है। तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो CRR और SLR होता है ये मेंटेनेंस किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे इसको मेंटेनेंस किया जाता है CRR और SLR को? आंसर है ऑप्शन ए, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज के आधार पर CRR और SLR को मेंटेनेंस किया जाता है। अब जो इसकी फुल फॉर्म में मैंने लिख दी है और डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो नेशनलाइजेशन हुआ था वो कब और किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1949 में। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल 1935 में। और एक्ट कौन सा था? एक्ट था 1934। और किस कमेटी के द्वारा इसको रजिस्ट्रेशन किया गया था? ये हिल्टन यंग कमीशन के आधार पर इसको बनाया गया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लिक्विड मनी? इन पांचों में से मोस्ट लिक्विड मनी किसको माना जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, यानी M1। और ये क्यों माना जाता है? ये इसलिए माना जाता है क्योंकि ये फिजिकल करेंसी के फॉर्म में होता है, कॉइन्स के फॉर्म में होता है, डिमांड डिपॉजिट, ट्रेवलर्स चेक एंड अदर चेकेबल डिपॉजिट एंड नेगोशिएबल ऑर्डर ऑफ विड्रॉल अकाउंट्स के रूप में होता है, इसलिए इसको सबसे ज़्यादा मोस्ट लिक्विड मनी माना जाता है। अगला क्वेश्चन, हु डिसाइड द वैल्यू एंड वॉल्यूम ऑफ बैंक नोट्स टू बी प्रिंटेड एंड ऑन व्हाट बेसिस? जो प्रिंटिंग प्रेसेस में नोट प्रिंट होते हैं वो कितना होना चाहिए ये कौन तय करता है, और किस बेसिस पे होना चाहिए ये कौन तय करता है? ये तय करता है RBI। RBI डिसाइड करेगा कितनी वैल्यू में वॉल्यूम ऑफ बैंक नोट को छापे जाने हैं और किस बेसिस पे छापे जाने हैं, RBI ही तय करता है। ओके, हाँ जी, और RBI के जो नोट छपते हैं वो चार जगह पे छपते हैं। ओके, और जो कॉइंट मिंट कॉइंट होते हैं जहाँ पे पैसे जो 2 रुपये 1 रुपये के जो सिक्के छपते हैं वो भी 4 जगह पे ही छापे जाते हैं। और एक कॉइंटेज एक्ट होता है, जरा बता सकते हो कौन सा होता है? कॉइंटेज एक्ट होता है, बताइए, कमेंट करके बताइए अगर आपको पता है कि कौन से एक्ट के तहत कॉइन छापे आते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ KYC इन बैंकिंग? जो नो योर कस्टमर बैंकिंग करता है वो क्यों करता है, जरा बताइए आंसर। आंसर है ऑप्शन ई, यानी ए और सी दोनों ही। ये कस्टमर की आइडेंटिफिकेशन को मतलब जो कस्टमर होता है उसकी ID को लेता है और ये जानकारी प्राप्त करता है कि जो हमारा कस्टमर है वो कौन है। सी, इट इज़ यूज्ड अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग। जो मनी लॉन्ड्रिंग होता है उससे बचाव करता है कौन? KYC। KYC के बारे में ये कुछ लाइनें लिख दी हैं, आप पढ़ सकते हैं। जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप होता है इसके बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, इनमें से कौन सा ऐसा मेंबर है जो फिलहाल वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंडर नहीं आता या उसका मेंबर नहीं है, बताइए जरा। आंसर है ऑप्शन सी, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप का मेंबर नहीं है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कार्ड इज फ्री फ्रॉम क्रेडिट रिस्क? मतलब इन कार्डों में से ऐसा कौन सा कार्ड है जो क्रेडिट रिस्क से फ्री है, बताइए जरा।
आंसर है ऑप्शन बी डेबिट कार्ड। जैसा कि आपको पता है जो क्रेडिट कार्ड होता है उसकी जो पेमेंट की जाती है वो बाद में की जाती है, और डेबिट कार्ड अगर आपके बैंक में पेमेंट है या अमाउंट है तो ही आप पे कर सकते हैं, अदरवाइज बैंक पे नहीं करेगा। और प्रीपेड कार्ड जो होता है वो क्रेडिट कार्ड के जैसा ही कुछ कुछ होता है, और चार्ज कार्ड क्या होता है इसकी जो पेमेंट होती है मंथली बेसिस पे की जाती है। ओके आई थिंक यू अंडरस्टैंड। ओके तो ये प्रीपेड कार्ड और चार्ज कार्ड के बारे में बता रखा है कुछ, आप पढ़ सकते हैं। ओके जैसा मैंने बताया था प्रीपेड कार्ड जो होता है एक क्रेडिट कार्ड की तरह होता है, और एक चार्ज कार्ड जो होता है वो मंथली बेसिस पे इसकी पेमेंट की जाती है। प्लेस मीन, ये प्लेस का मतलब क्या होता है? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर बताइए। आंसर है ऑप्शन सी बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ अ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रोमिस। मान लीजिए एक कोई पर्सन राम है और उसको एक कार खरीदनी है जो 10 लाख रुपए की है, और वो लोन लेना चाहता है कार के लिए, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या कहती है कि हम आपको लोन तो दे देंगे पर आपको पहले 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी उस कार की। तो वो बोलता है बिल्कुल कर दूंगा, और बाकी जो 9 लाख रुपए रह जाएंगे उसकी इंस्टॉलमेंट बन जाएगी, यानी उस पर लोन आपको मिल जाएगा। ओके जो 1 लाख रुपए उसने पेमेंट की है कार की उसे कहते हैं प्लेस, क्या कहते हैं? प्लेस मनी। ओके आई थिंक यू अंडरस्टैंड। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फ्लेशन रेफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ मनी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया, बताइए आंसर। आंसर है ऑप्शन बी होलसेल प्राइस इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कमर्शियल बैंक ऑफिसेस आर लोकेटेड इन। इन राज्यों में कमर्शियल बैंक्स के ऑफिस सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में हैं? आंसर है ऑप्शन डी यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कमर्शियल बैंक के ऑफिसेस के लार्ज मतलब सॉरी कमर्शियल बैंक्स के ऑफिस सबसे ज़्यादा हैं उत्तर प्रदेश में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और इस वाली जो आपको ये प्रेजेंटेशन दी है इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिलेगी। अगर वो ग्रुप आपको ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।